दोस्तों कल आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच भिड़ंत हुई, लेकिन इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल बुरी तरह घायल हो गए। ये पूरा वाकया उस समय हुआ जब विराट कोहली ने एक बाउंड्री लाइन की ओर शॉट खेला और पीछे से केएल राहुल उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। जब केएल राहुल गेंद के पीछे दौड़ रहे थे तो उसी दौरान वह बाउंड्री लाइन के करीब जाकर बुरी तरह से लड़खड़ाकर गिर पड़े, जिसके दौरान उनके पैर में चोट आ गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, केएल राहुल चोट लगने के बाद काफी ज्यादा दर्द में हैं और काफी दर्द से कहराते हुए आ रहे हैं और वह खुद से चलकर बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा सके। उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ जब उन्हें सहारा दे रहा है तब वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा पा रहे हैं। इस बीच आतिया सेट्टी जो कि उनकी वाइफ हैं, वह काफ़ी चिंतित नज़र आ रही हैं, लेकिन आशा ऐसी बात की जा रही है कि केएल राहुल की इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी और वह अगले मैच तक फिट होकर पूरी तरीके से मैदान में वापसी करेंगे। हालांकि उन्होंने जब उनकी टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो वह आखिरी नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने 3 गेंदों का सामना भी किया।